Hi guys, today once again on my YouTube channel Pharma Hub. Once again welcome to you on my YouTube channel Pharma Hub. So guys, I hope you will be fine. Guys, today we will discuss about types of erosions. जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर से हमने स्टार्ट कर दिया था, हमारा जो टॉपिक है erosions हमने स्टार्ट कर दिया था. तो गाइस, आज हम बात करेंगे इसके टाइप्स ऑफ erosions की, कि erosions कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह वो, क्या क्या उनके कॉम्पोनेंट होते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, If you are new on my YouTube channel Pharma Hub, please subscribe, like, share and comment. तो guys, आज हम बात करते हैं types of aerosols की. Types of aerosols में हम सबसे पहले थोड़ा last lecture के बारे में guys कर लेते हैं. तो आइए जानते हैं थोड़ा last lecture के बारे में. सबसे पहले हमने बात की इस lecture में कि aerosols क्या होते हैं. जैसे कि आपको पता है कि जो aerosols हमारे होते हैं क्या होती है, ये हमारा pressurized dosage form होता है, जिसमें जो हमारे एक्टिव इंग्रीडियंट होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ही हम उसको एमिट करते हैं तो क्या, जैसे हम उसको प्रेशराइज अप्लाई करते हैं उस पर, तो जो हमारे एपीआई होता है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल ड्रग होती है जो हमारी, वो क्या होती है, वो हमारी पार्टिकल्स की फॉर्म में एमिट होती है, बाहर निकलती है. तो उसको क्या कहते हैं, उसको इसके अंदर हमारे दो या दो से ज़्यादा एक्टिव इंग्रीडियंट हो सकते हैं जो हम यूज़ करते हैं एरोसोल्स में. और इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा जो प्रोपेलेंट होता है वो उसमें मेन कंपोनेंट होता है, जो हमारा क्या करता है, जो प्रेशर अप्लाई करता है उसमें, जो हमारे प्रोपेलेंट हो सकता है वो क्या होता है, वो हमारा लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, गैसेस फॉर्म में हो सकता है. और जो हमारे मतलब इसमें जो हमारा एपीआई होगा वो क्या होगा, वो हमारे सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारा वो गैसेस फॉर्म में एमिट होगा. तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एरोसोल्स कहते हैं. तो गाइस, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरोसोल्स की. तो आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरोसोल्स. जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जो हमारे एरोसोल्स होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरोसोल्स. एरोसोल्स कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं. जैसे फर्स्ट इज स्प्रे, स्पेस स्प्रे, सेकंड इज सरफेस कोटिंग स्प्रे एंड थर्ड इज फॉर्म्स. तो ये हमारे थ्री टाइप के क्या होते हैं, थ्री टाइप के हमारे एरोसोल्स होते हैं. तो जो हमारे सबसे पहले हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं स्पेस स्प्रे के बारे में. जो हमारा स्पेस स्प्रे होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा प्रेशराइज डिस्पर्जन पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, वो लंबे समय तक हमारे एयर में रहते हैं, प्रोलॉन्ग समय तक लाइन में हमारे एयर में रहेंगे. और जो उनका जो पार्टिकल साइज होगा वो कितना होगा, वो लेस देन 50 माइक्रोमीटर से इन साइज में होगा. कितना होगा, लेस देन 50 माइक्रोमीटर इन साइज, मतलब उससे थोड़ा नीचे ही होगा. फिर बात करते हैं सेकेंड, सरफेस कोटिंग स्प्रे. और सरफेस कोटिंग स्प्रे क्या होते हैं, दीज आर द स्प्रे विच आर यूज फॉर कोटिंग ऑफ द पार्टिकल एंड दीज आर कोर्स इन रिस्पेक्टिवली. ये क्या होते हैं, हमारे एक स्प्रे पार्टिकल होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी कोटिंग करने के लिए. क्या करते हैं, किसी पार्टिकल में कोटिंग करने के लिए हम उसको स्प्रे को यूज़ करते हैं. तो इसका जो साइज, इसका कितना साइज होगा, इसका साइज होगा हमारा 50 to 200 माइक्रोमीटर इसका साइज होगा हमारा, किसका, स्पेस सरफेस कोटिंग स्प्रे का. फिर थर्ड में हम बात करते हैं फॉर्म्स. फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म्स आर फॉर्म्ड व्हेन एक्सपेंशन ऑफ प्रोपेलेंट विद इन अ इमल्शन रिजल्ट इन प्रोड्यूस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल बबल्स. इसमें क्या होते हैं, जो हमारे फॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही हम उन पर कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या, जो प्रोपेलेंट होता है हमारा उसके थ्रू, जो प्रोपेलेंट जैसे हम उस पर थोड़ा एक्टिवेटर के थ्रू प्रेशर अप्लाई करेंगे, जो हमारा प्रोपेलेंट होगा वो उस पर प्रेशर अप्लाई करेगा. और जो हमारा क्या होता है, इसमें क्या, जो हमारा इमल्शन फॉर्म में हमारे फॉर्म्स है वो क्या होगी, वो प्रोड्यूस हो गए और जिसकी वजह से हमारे छोटे छोटे स्मॉल बबल बनेंगे, उसको हम फॉर्म्स कहते हैं, ये फॉर्म्स हैं. तो गाइस, ये थी हमारे टाइप्स ऑफ एरोसोल्स. तो अब बात करेंगे हम कंपोनेंट्स ऑफ एरोसोल्स. अब कंपोनेंट्स ऑफ एरोसोल्स में क्या क्या होता है, जैसे फर्स्ट इज प्रोपेलेंट कंटेनर वॉल एंड एक्चुएटर एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट. तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोपेलेंट्स की. प्रोपेलेंट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं कि प्रोपेलेंट हमारा क्या होता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है. तो ये क्या होता है प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट हमारा एक कंपोनेंट होता है जो मेन होता है इसके अंदर हमारे एरोसोल्स में, इसका मेन पार्ट होता है. जो क्या करता है, ये हमारा जो प्रोपेलेंट होते हैं ये हमारे क्या कहते हैं, ये प्रेशर अप्लाई करते हैं. जैसे ही हम क्या करते हैं, एक्टिवेटर के थ्रू उस प्रेशर लगाते हैं, तो ये जो हमारे एपीआई होगा उस पर प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से जो हमारे डिस्पर्जन पार्टिकल होंगे, जो हमारे वो क्या होगी, वो एमिट होंगे, वो बाहर एमिट होंगे, इसकी फॉर्म में पार्टिकल्स की फॉर्म में बाहर निकलेंगे. तो ये हमारा जो प्रोपेलेंट होता है ये प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है. तो गाइस, सेकंड बात करते हैं कंटेनर के बारे में. कंटेनर क्या होते हैं, जैसे आपको पता है जो हमारा कंटेनर होते हैं जिसके अंदर जो हमारा एपीआई, जो हमारे मेडिकामेंट है वो फिल है, उसको हम कंटेनर कहते हैं. कंटेनर जैसे आपने देखा हो, जब परफ्यूम यूज़ करते हैं आप, कंटेनर होते हैं तो उसमें कंटेनर आप क्या होते हैं, इसमें ग्लास कंटेनर हो सकते हैं, ग्लास कंटेनर हो सकता है, प्लास्टिक का कंटेनर हो सकता है, और इसमें स्टील बॉडी भी हो सकती है. तो ये हमारे कंटेनर हो गए. ज़्यादातर जो हमारे होते हैं स्टील बॉडी यूज़ की जाती है, या फिर हमारी इसमें ग्लास बॉडी यूज़ की जाती है. फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर हमारे वो आ जाते हैं क्या, उसके ऊपर हम प्लास्टिक की कवरिंग कर देते हैं.
ये होते हैं हमारे कंटेनर। तो गाइस नेक्स्ट है होल एंड एक्चुएटर। होल एंड एक्चुएटर मींस मतलब जैसे कि आपने एरोसोल्स देखे होंगे, जो एरोसोल्स में जो हमारी ऊपर की जो वॉल्व होती है उसको हम प्रेस जैसे प्रेस करते हैं उसको हम वॉल्व कहते हैं, और उसके अंदर एक हमारे अंदर स्प्रिंग सिस्टम होता है जिससे हम उसको जैसे ही प्रेस करते हैं तो जो हमारा जो डिस्पर्सल पार्टिकल होगा वो एकदम से हमारा एमिट होगा, बाहर की ओर निकलेगा, उसको हम क्या उसको हम होल एक्चुएटर कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट में एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारा जो मेडिकमेंट है जो हमारा जिसका थेरेप्यूटिक एक्शन होगा उसको हम बात उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्टिव इंग्रेडिएंट में, तो उसको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं। जैसे जो हमारे जिसका थेरेप्यूटिक एक्शन होगा हमारी बॉडी में उसको हम कहेंगे एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो ये गाइस ये थे हमारे एरोसोल्स के कंपोनेंट। तो गाइस इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके फर्दर टाइप्स की बात करेंगे और इसके फर्दर आगे इसमें एक्सप्लेनेशन देंगे और उसके फिर बाद सिस्टम्स की बात करेंगे और ये सब जानेंगे। तो गाइस आई रिक्वेस्ट टू यू वंस अगेन, इफ यू आर न्यू ऑन माय YouTube चैनल फार्मा हब तो यू कैन सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू वांट टू एनी इंप्रूवमेंट इन दिस लेक्चर और तो देन यू कैन कमेंट एंड यू कैन सजेशन यू कैन गिव सजेशन। तो गाइस कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब और गाइस कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।